Hi guys, namaste and welcome to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. So today we are doing a huge Meesho kurti haul. जिसमें I have got some affordable kurtis for you guys, जो 500 की range में हैं. Around 10 pieces हैं और ये मैंने थोड़े बहुत खोल भी लिए हैं क्योंकि एक कुर्ती थी जो मैंने कुछ और मंगाया था और कुछ और आ गई तो मुझे बहुत curiosity हो गई थी तो मैंने almost सारे खोल के देखे हैं. So this is our first kurti which is a pretty pink cotton की kurti. ये मैंने small size में मंगाई थी. इसकी fitting बहुत अच्छे से आई है मुझे. थोड़ा सा इधर मेरे एल्बो के पास थोड़ी सी टाइट है बट इतना भी अनकम्फर्टेबल नहीं है. सो आई लव डेट डेली यूज़ के लिए. ऐसा वाइब्रेंट सा कलर है, सुंदर लग रहा है, चेहरा खिल के आ रहा है. अच्छा कॉटन का कपड़ा है. मैंने इसे पेयर किया है अपने वाइट प्लाजो के साथ और अपने क्यूट स्लीपर्स के साथ. सो या लेट्स जंप ऑन टू आवर नेक्स्ट कुर्ती विच इज फ्लोरल कुर्ती. फटाफट ट्राई करके दिखाती हूँ तुम लोगों को. ये वाइट पिंक फ्लोरल कुर्ता कॉटन का है. सुंदर है, सिंपल है. स्मॉल साइज में मंगाया है, मुझे थोड़ा सा लूज आया कमर के पास से तो तुम्हारा प्योरली लक है क्योंकि मैंने वो जो लास्ट पहना था वो भी स्मॉल साइज में मंगाया था बट वो मुझे परफेक्ट फिट आया था एल्बो से हर जगह से. बट ये थोड़ा सा लूज है मेरे लिए तो शायद मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में मंगाना चाहिए था. इसको भी मैंने पेयर किया है अपने उसी सेम प्लाजो के साथ. वाइट प्लाजो की बेस्ट चीज़ ये कि ये मतलब ऑलमोस्ट हर कुर्ते के साथ चलता है. मैंने ये नॉर्मल कुर्ते मंगाए हैं तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनके साथ कोई भी बॉटम या कुछ भी आए बट इसके साथ ये सुंदर सा दुपट्टा आया है जिसका दुपट्टे वाला कपड़ा है. बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि इसका गोटा बीच बीच से निकला हुआ है और ऐसे धागे निकल रहे हैं इसके कॉर्नर्स पे. अपार्ट फ्रॉम दैट सिंपल सुंदर कुर्ता है डेली वेयर और थोड़ी सी फिटिंग में मुझे लूज है बट अदरवाइज क्यूट है. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कुर्ता जिसकी वजह से मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे पार्सल खोले क्योंकि ये अलग कलर में आ गया था. ये मैंने इस कलर में मंगाया था बट ये इसमें आया और आज तक मैंने इस वाले कलर में कभी भी कुछ भी कुर्ता टॉप कुछ भी नहीं पहना है. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन बट लेट्स सी. ये कॉटन की लखनवी चिकनकारी कुर्ती है जो मैंने पिंक कलर में मंगाई थी बट ऑरेंज में आ गई. एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, मे बी आई रिटर्न इट. बट सिंपल ठीक लग रही है, मतलब प्रोफेसर वाइब्स दे रही है थोड़ी. मतलब अगर कॉलेज वॉलेज के लिए पहनना है तो पहन सकते हैं, नॉट बैड. एंड ये 277 की पड़ी है तो 300 रुपये में कुर्ती आना इज नॉट सो बैड. सो या मैंने इसे पेयर किया है फिर से अपने वाइट प्लाजो के साथ. मुझे लूज आई है बहुत ज़्यादा. स्मॉल साइज है बट बहुत ज़्यादा लूज आया है. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, मे बी आई रिटर्न इट. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कुर्ती, पिंक अनारकली कुर्ती जो मैंने साइज मीडियम में मंगाई है तो थोड़ी सी लूज है बट सुंदर है, कंफर्टेबल है और मतलब लूज फिट है तो इसको आराम से बाहर भी जा सकते हैं पहन के गर्मी में. तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे अनकम्फर्टेबल नहीं लगेगा. आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दिस वन, जब मैं इसको देख रही तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने कुछ गलत मंगा लिया बट अब मैं देख रही हूँ तो मेरे ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है. ये खिल के इसका कलर आ रहा है. कॉटन की कुर्ती है, मुझे 288 की पड़ी है. सो या ओवरऑल नाइस. ऑन टू आवर नेक्स्ट कुर्ती, ये एक मल्टी कलर्ड कुर्ती है. फटाफट ट्राई करके आती हूँ. सुंदर फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ती है, सिंपल डेली वेयर. इसको मैंने पेयर किया है अपनी ब्लैक लेगिंग के साथ. काफ़ी खिल के आ रही है ये भी मुझ पर. आई गेस मुझे लाइट कलर वैसे भी बहुत पसंद है और मुझे मेरे ऊपर ज़्यादा सूट भी लाइट कलर ही करते हैं तो मैं ज़्यादा मंगाती भी लाइट कलर में. थोड़ी सी लूज है स्मॉल साइज में बट ओवरऑल आई लाइक इट एंड इट्स कम्फर्टेबल और डेली वेयर के लिए इट्स 10/10. सो या नेक्स्ट कुर्ती, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट. जब मैं एक बारी मैं इस कुर्ती को पहन भी चुकी हूँ और मुझे इसके लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे और प्लस जब मैं उन लोगों को इसका प्राइस बता रही थी तो एवरीबडी वाज अमेज्ड बिकॉज ये बहुत सुंदर कुर्ती है. जैसे जैसे सनसेट हो रहा है धूप ऊपर ऊपर आ रही है. सो आई होप यू गाइस विल डू विद दैट. एनीवेज मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कुर्ती इज दिस ब्लू फ्लोरल ब्यूटीफुल कुर्ती. मैंने अभी ये पहनी थी 2 दिन पहले और मुझे इसके इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं प्लस इतनी सुंदर कुर्ती 491 में मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्योंकि इसका चाहे मटेरियल लो, चाहे इसका डिज़ाइन लो, चाहे जो मर्जी लो, दिस कुर्ती इज़ अ 10/10. मेरी ये वन ऑफ द फेवरेट है. इसकी फिटिंग हर जगह से परफेक्ट है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज, स्मॉल साइज में है
सुंदर सिंपल क्यूट कुर्ती, जहां भी तुम जाओगे तुम्हें हर जगह इसके लिए कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। सो या मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कुर्ती इज दिस मल्टी कलर्ड कुर्ती, दिस जयपुरी प्रिंट कुर्ती। ये मुझे सिर्फ 199 रुपीज में पड़ी है, मतलब ये सब में से सबसे ज्यादा चीपेस्ट कुर्ती है और सुंदर लग रही है, सिंपल और डेली वेयर है। बीच में इसमें एक स्लिट है, इसे मैंने अपनी लेगिंग के साथ पहना है। आप चाहे तो अपनी मतलब जो वो रिप्ड डेनिम जीन्स होती है उसके साथ पहन सकते हो, बट मुझे इसके साथ सही लग रही थी तो मैंने इसके साथ पहन कर दिया। इसमें पीछे वो है, मतलब ये दो वो दिए हुए हैं रिबन्स जिससे आप इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। सो ओवरऑल बहुत सुंदर है, क्यूट है, सिंपल है और मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर निकली है, सो आई लव्ड इट। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कुर्ती, फ्लोरल प्रिंट कुर्ती है, अनारकली स्टाइल में है और मुझे बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आई है, बिल्कुल परफेक्ट जैसे किसी टेलर से सिलवाई हो मैंने। बट जो मैंने एक बहुत बड़ा मैसअप किया है वो ये है कि ये दुपट्टा इसके साथ था, बट इन दोनों कुर्तियों का प्रिंट इतना सेम था कि मैंने उसके साथ उसको पेयर कर दिया। तो जो दुपट्टे की प्रॉब्लम थी वो तो मैंने आप लोगों को बताई ही थी, बट अदरवाइज ये कुर्ता तो मुझे बहुत अच्छी फिटिंग में आया है, परफेक्ट है बिल्कुल और बहुत ही सुंदर सिंपल। आप लोग इसे पहन सकते हैं, नॉर्मली भी पहन सकते हैं, वरना इसको तुम ओकेजनली जैसे जो छोटे छोटे फंक्शन होते हैं उस पर भी पहन सकते हो, बिकॉज आई रियली लव द फिट एंड आई रियली लव द स्टफ। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कुर्ताज, ये दो कुर्ते हैं जो मतलब सेम टाइप के हैं, थोड़े मतलब सेम स्टाइल के हैं और ये आजकल बहुत इन ट्रेंड है। मैंने आज से पहले कभी भी ऐसे कुर्ते नहीं पहने हैं, बट मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी इन कुर्तों के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों का भी रिव्यू तुम्हारे साथ शेयर किया जाए। ये प्रिंटेड अनारकली कुर्ती मुझे 411 की पड़ी है, सुंदर है बहुत ज़्यादा। मैंने और क्रिएटर्स को भी देखा है इस पर रिव्यू करते हुए, तो वो भी इसको जनरली ऐसे ही पहनते हैं और मुझे भी ये ऐसे ही अच्छी लग रही है लाइक ए ड्रेस। आप देख सकते हैं मैंने इस पर नीचे कुछ भी नहीं पहना है, आई हैव स्टाइल्ड इट्स लाइक अ ड्रेस। तो ये बहुत सुंदर लग रही है, ऐसे मतलब इंडो वेस्टर्न वाइब वाली है क्योंकि इसका ऊपर से गला ऐसा है, नीचे बिल्कुल प्लेन है, छोटी छोटी कढ़ाई हुई है। सो आई लव्ड इट एंड आई गिव इट अ 10/10 क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। यू कैन सी बिल्कुल परफेक्ट फिट है, कमर से लेकर बाजुओं से लेकर हर जगह की। सी या मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट कुर्ती, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं पहली बार ही ट्राई करी थी ऐसा कुछ स्टाइल, तो मैंने ऐसे ही इसी वाइब में एक और कुर्ती मंगाई है। सनसेट हो रहा है, आई एम गोइंग टू एंड माय वीडियो विद द गोल्डन आर्च। सो या नेक्स्ट इज दिस सेम मतलब उसी वाइब की कुर्ती है, इंडो वेस्टर्न इसका भी स्टाइल है, थोड़ी सी मुझे छोटी आई है क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज मंगाया है, बट ओवरऑल सही है, 291 रुपीज की है। Yeah, I loved it too. So I'm gonna keep it. Many say a dress ki tarah style kiya hai. So guys, that's it for the video. I hope you guys enjoyed it. If you haven't subscribed, do subscribe to my YouTube channel and leave your valuable comments below in the comment section and let me know how did you like it. Kaise lagi tum log kurtiyan and what else you want from me. Bye bye.